हेलो एवरीवन, ये है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स के एमसीक्यू, और ये वाला फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज एटॉमिक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिकुलर फिजिक्स के करेंगे। फिर अगर हमें लगा फीडबैक आपका अच्छा मिल रहा है तो तब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मैं फिलहाल दो वीडियो एमसीक्यूज के लेके आऊंगी एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल एनर्जी चेंज बी मैक्सिमम। तो किस ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम होगी? तो ऑप्शंस हैं आपके, N5 से N4 में ट्रांजिशन हो रहा है, N4 से N3 में ट्रांजिशन हो रहा है, N3 से N2 में ट्रांजिशन हो रहा है, N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो सोचिए और ऑप्शन बताइए क्या होगा, और कमेंट सेक्शन में आप ऑप्शन भी पोस्ट कर सकते हैं। तो सही सोचा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब टू से N2 से N1 में एनर्जी का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें जो एनर्जी का चेंज है वो मैक्सिमम होगा। इस क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो ऑप्शंस हैं 1/n, 1/n² एंड n² तो अगर आपको याद हो, वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ऑप्शंस डिस्कस करूंगी। आर एन का फॉर्मूला होता है n² h² / 4π² m kz e² तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि जो बोर रेडियस है वो n² पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर सेम फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम एंड आयंस इन द सेम एनर्जी स्टेट। तो ऑप्शंस आर रेडियस ऑफ पोर ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा पैरामीटर सेम रहता है जो भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयंस होते हैं? तो सही पहचाना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन साथ के साथ करेक्ट कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम? 10⁻⁸ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁷ मीटर एंड 10⁻⁰⁸ मीटर। द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁰ मीटर। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, 10⁻⁰ मीटर। तो क्वेश्चन है आपका, बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू EH/4πm, EH/πm, EH/2πm, EH/8πm। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका, करेक्ट ए ऑप्शन है, EH/4πm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस पहले आ गए, इसको भी मैं ठीक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, विच विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? 6557 × 10⁻¹⁰ मीटर, 5557 × 10⁻⁵⁰ मीटर, 9557 × 10⁻¹⁰ मीटर, और लास्ट ऑप्शन है 1557 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो 1/λ = R 1/N1² - 1/N2² होता है। रिकबर्ग कांस्टेंट जो आर होता है इसकी वैल्यू 1.098 × 10⁷ होती है। और आप क्या कर सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है बार्मर सीरीज की, तो बार्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 आप रखेंगे 222² - 1/3² तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, तो ये आ जाएगा 36 10⁻⁷ / 5 × 1.098, और ये
कैलकुलेट आके आता है 6 की रेंज में आता है, 6557 इंटू 10^-10 मीटर। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज फाउंड इन विजिबल रीजन? लाइमन, पार्मर, पाषण, पीफंड। विजिबल रीजन में आपको ये पूछ रहा है, विजिबल रीजन में बार्मर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड नन ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रेडियस एंड बोर रेडियस? फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रेडियस एंड बोर रेडियस? फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ट्वाइस, फोर टाइम्स, ट्वाइस, फोर टाइम्स, सेम एंड हाफ। तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल के लिए एन टू होगा, आर टू हो जाएगा, टू टू पावर टू आर जीरो, ये फोर आर नॉट, तो फोर टाइम्स हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इन स्ट्रैंड गैरिक एक्सपेरिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड इज होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, जीरो और नन ऑफ दीज। तो स्ट्रैंड गैरिक एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड जो यूज होती है वो नॉन होमोजीनियस फील्ड होती है। इन प्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन सबको पता होगा, प्रिडिक्टेबल में जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। द सिलेक्शन रूल फॉर एल इज डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस वन, डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस टू, डेल्टा एल इक्वल टू जीरो, नन। तो सिलेक्शन रूल फॉर एल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए प्लस माइनस वन होता है, तो डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस वन। द सिलेक्शन रूल फॉर एस इज डेल्टा एस इक्वल टू प्लस माइनस वन, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस वन, नन। स्पिन के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होता है। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन है, द स्ट्रेल गैरिक एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड फॉर द, ऑप्शन है चार्ज पार्टिकल, आयंस, न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल। बाय इंक्रीजिंग द एक्सिलेटिंग वोल्टेज द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट शिफ्ट टुवर्ड्स, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर वेवलेंथ एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन जो है शॉर्टर वेवलेंथ है। कंटिन्यूअस एक्सरे डू नॉट डिपेंड ऑन टारगेट मटीरियल एक्सिलेटिंग वोल्टेज, बोथ एन बी एंड नन ऑफ, टारगेट मटीरियल पे कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड नहीं करता है। चलिए तो हम ये वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। अदरवाइज मैं तो शांत हो जाती हूँ फिर वीडियोस बनाने से। तो आप लोगों के लाइक्स, कमेंट्स, शेयरिंग ही मोटिवेट करती है मुझे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।